Z900 सेल कर दिया है, तो लास्ट राइड होने वाली है उनकी Z900 के साथ। जी गेट वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। भाई शानदार कलर है यार इसका स्कॉर्पियो का, देखना। बच गया। गाड़ी गुड़ी गिर गई लगता है नीचे। ओए होए होए होए, अच्छा बंदा कर गया। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, वैसे तो 12 बज चुके हैं, आफ्टरनून हो चुकी है। सो आज की राइड जो थी मतलब कि एकदम से बनी, अनप्लान्ड, कोई प्लान नहीं था, आराम से उठे, संडे था आज। सो आज का ये लाइनअप है जी, ये रिखड़ी अपनी राम प्यारी, और ये अपनी शान भाई हैं, इनकी है जी निंजा 650, इसको तो आप जानते ही हो, पिछली वीडियो में देखा होगा, Z900 पुनीत भाई की। और ये अपने तरुण भाई, चलते हैं जी राइड पे, चलो जी। थोड़ी आवाज़ में फ़र्क लगा होगा आपको, क्योंकि आज ना वो बलकलावा डाला हुआ है, सो इस वजह से। चलिए जी महादेव जी के दर्शन करने चलते हैं, और आपको भी करवाएंगे। सो जी लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव। चलो जी, चले की आज ये लाउड है भाई। अपने पुनीत भाई ने Z900 सेल कर दिया है, तो लास्ट राइड होने वाली है उनकी Z900 के साथ। सच बताऊं तो उन्हीं का ही प्लान था ये वहां जाने का, कहते लास्ट राइड करने हैं, सो बनाओ कहीं प्लान, तो तभी अचानक से बना ये प्लान। निंजा 650 ये पुराने वाला वर्जन है भाई। मेरे को आगे लगना पड़ेगा, ये तो धीरे धीरे चलाएंगे सब लोग। वक्त का क्या भरोसा, अंत वाणी रह जाए। सो गाइस बेसिकली मैं, ईशान भाई, पुनीत भाई और तरुण भाई जा रहे हैं जी भुर्वेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। जस्टिन को भी वैसे मैंने कॉल किया था, वो भी बिजी था, और अपना जो तरुण है नारायणगढ़ से वो भी बिजी था, वो भी बोल रहा आज तुम चले जाओ, फिर कभी चलेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, हम चले जाते हैं, क्योंकि मतलब कि एकदम से प्लान बना। सो एकदम से सबको फ़ोन घुमाया और बस एकदम से ही निकल गए। सो अभी तो मतलब कि चंडीगढ़ हाईवे से हैं, अम्बाला टू चंडीगढ़ जा रहे हैं, जीरकपुर से फिर लेफ्ट ले लेंगे शिमला हाईवे पे। मेन जो हमारा रूट होने वाला जी अम्बाला, जीरकपुर, पिंजौर, कालका पिंजौर, फिर उसके बाद वहाँ से रास्ता कटता है नाहन की तरफ। सो ये हमारा रूट है जी। टाइम बज चुके हैं जी 12:12, अरे वाह क्या टाइम है। सो जी आज ये एक रील अपलोड करके आया था इंस्टा पे, नहीं देखी तो जाके प्लीज़ इंस्टा पे भी फॉलो करो, रील भी देखो भाई, मेहनत लगती है, टाइम निकाल के जाना पड़ता है हर चीज़ में। सो अप्रिशिएट कर दिया करो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बोलता, थोड़ा बहुत तो बनता है ना यार। बाकी मज़ेदार राइड है, सुहाना मौसम है, सुहानी ही राइड है हमारी है ना भाई। शानदार कलर है यार इसका स्कॉर्पियो का, देखना आर्मी वालों की, मतलब 4x4 है, फोर व्हील ड्राइव है, और कलर कितना सुंदर है यार। तो गाइज ये है जी आज का लाइनअप, अपनी निंजा 650, इंटरसेप्टर 650, अपनी राम प्यारी यानी डोमिनार 400, एक पुनीत भाई और आ रहे हैं पीछे, वो पीछे रह गए, इनके तो बेटा है यार पीछे।
स्टार्ट कर रहे हैं अभी लिया था भाई पहला स्टॉप। ये है जी टोल प्लाजा जो चंडीगढ़ हाईवे पे आता है। तो जी ये आ गई है जी पुनीत भाई। तो सारा ट्रैफिक पीछे छोड़ा है, अब आएगा हाईवे। अब टूल प्लाजा को कौन नहीं जानता, मशहूर शिमला हाईवे का टूल प्लाजा। अब पता नहीं यहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे। यार आ तो गए सारे। सो गाइस पहाड़ दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। सामने देखो क्या अच्छा लग रहा है ना, मतलब हाईवे और ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है। एक तो धीरे धीरे चल रहे हैं यार बहुत साथी मेरे, पता नहीं क्या बात है, आज बीच में भगा लेते हैं बीच में धीरे कर देते हैं। आई थिंक ट्रैफिक की वजह से होगा। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है चला रहे हैं जी गेट। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। क्या ही मजा आ रहा है यार लीन मार के का। ईशान भाई तो गोडे लगा लगा के चला रहे भाई। ओ बेटे की पैर लग गया था नीचे। पहला लैंडस्लाइड, मिट्टी मिट्टी हो रखी है। सो जी अभी लीन मारते हुए क्या ही मजा आया बाइक का सारी, मतलब कि अब भैया बोल रहे मैं भी लीन मारूंगा। इनका जो बेटा है वो तरुण के पीछे बैठ गया। बाकी अब टायर चेक करो इधर से और इधर से। ओए होए होए क्या ही मज़ा आया यार। आगे वाले चेक करो भाई तुम, ये दोनों चीज़ें चेक करो, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। बहुत दिनों के बाद ऐसे बाइक राइड करी है। सो अभी प्लान कुछ ऐसा है, भुवनेश्वर महादेव तो आई थिंक कैंसिल ही है, बाकी आगे बैठ के कहीं धर्मपुर बोल रहे हैं रुकेंगे और वहाँ पर खाएँगे पियेंगे। अंकल खा रहे हैं कुलचे वगैरह, मेरे को भूख लग गई यार देख के। चलो जी चलते हैं। वो देखो बच्चा छत में से निकला हुआ है, बुखार हो गया ना बेटे। भीड़ कितनी है यार यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया। कुछ हो रहा है रखता है, गड़ी गुड़ी गिर गई लगता है नीचे। ओए होए 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 वो भी ग्रुप खड़ा बाइकर का।
गया बच गया बच गया भाई, ईशान भाई बच गया। पागल ही है गाड़ी वाला यार, एकदम से काट दी इधर को उसने। तो जी मेरे को लग रहा है यहाँ रुकेंगे, बूम कैफे एंड लॉन्च, व्यू अच्छा लग रहा है भाई, कुछ खाएंगे पियेंगे ऊपर चल के। सो गाइस ये कर दिया जी बाइक्स अपनी चारों पार्क, अभी आपको ना अभी ऊपर थोड़े टाइम बैठते हैं फिर आपको सिनेमैटिक दिखाएंगे इनके ना। अच्छा जी ओ बट्टे की आंटी बोल रहे हैं जी, अच्छा बंदा कर गया नीचे, अभी अभी बहुत मतलब कि न्यूज़ दिया, शॉकिंग न्यूज़ दिया आंटी ने। वो जो पीछे मैंने दिखाया था ना, मैं बोल रहा था गाड़ी देखिए, कहते बाइक गिरी है यहाँ से, शायद अगर जूम करके पता चले दिखाता हूँ आपको मैं, वो सामने देखो यार ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। हम भी भगाते हैं बट इतना कंट्रोल तो रखना चाहिए बाइक पे, बाकी पता नहीं क्या हुआ होगा भाई के साथ, वो तो भगवान ही जाने या फिर वो जाने जिसके साथ हुआ है। बाकी आप कैफे चेक करो, यहाँ बैठोगे So guys, यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो चुका है 2:52, भुवनेश्वर महादेव जाने का तो कैंसिल ही है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट निकले थे घर से। ओए होए होए होए, हाँ जी हैरान होने की जरूरत नहीं, अभी मैं सीधा घर कैसे आ गया राइट से। बात कुछ ऐसी है जी, जैसे हम खाना खा के निकले रेस्टोरेंट से, GoPro ने दे दिया धोखा, उसकी हो गई थी बैटरी लो, तो फिर रास्ते में ना चार्ज मतलब कि एक्स्ट्रा बैटरी तो कैरी नहीं करता मैं साथ। सो फिर पता ही है आपको भी, GoPro एक बारी गया तो गया, फिर वैसे भी आपको पता ही है जैसे कि आपने व्लॉग में देखा, वो आंटी जी ने बताया हमें तो पैसे पता नहीं चला, मैंने को लगा भी गाड़ी गुड़ी नीचे गिर गई है, बट अनफॉर्चुनेटली अपने कोई राइडर ब्रदर ही थे मतलब कि बाइकिंग उससे ही राइड पे गए होंगे संडे राइड पे, और बस जो भगवान को मजबूर, मैं क्या ही बोल लूँ यार इसके बारे में, मतलब ना अजीब सा लगा, फिर हमारा भी मन खराब हो गया भी आगे जाएंगे नहीं हम, फिर वहीं पे खा पी के हल्का फुल्का, ज़्यादा खाया पिया भी नहीं हमने ना ही, मैं उसके बाद मेरा व्लॉग बनाने का मन किया, फिर एक तो बैटरी लो गई थी, फिर ऊपर से मन भी नहीं किया मेरा व्लॉग बनाने का, तो सीधा फिर अब घर ही आ गया था मैं, तो घर आके पता चला भी मेरे को मतलब याद आया भी व्लॉग एंड करना तो मैं भूल ही गया। सो बस ये व्लॉग एंड करते हैं जी यहीं पर, यहाँ पर चल रही है जी एडिटिंग, वो मम्मी देख रहे हैं टी वी बैठ के, रात के बज चुके हैं जी 10:30। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, होप है जब मेरी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, पसंद आई लाइक शेयर कमेंट करने में मत जाइएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जो आने वाले वीडियोज़ और व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बहुत जल्द मिलते हैं जी अगले बार में, तब तक लिए बाय बाय।